नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 4 से 5% की तेजी देखने को मिली, उसके बाद वही देखा है तो 4 से 5% की गिरावट भी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये स्टॉक 2500 के ऊपर भी बहुत सारे रिटेस्टर बाइंग करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, तो आज के दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां दोस्तों, जिन्होंने कि आज के दिन 6-6% 7-7% मतलब एचएलए की बात करें तो 3-4% वाई पे अगर हम देखा जाए तो पारस डिफेंस की बात करें, जो कि इस कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीटर है दोस्तों, उसने भी आज के दिन 6-7% की तेजी दिखाई। और इस कंपनी भी, ये भी कंपनी दोस्तों पीछे नहीं थी। हालांकि आप सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी जब से आई तब से देखा है तो पैसे को डबल कर दिया है, उसके बाद थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों, आज के दिन स्टॉक में इतनी वॉलेटाइल क्यों थी, जिससे रिलेटेड सबसे पहले हम न्यूज की बात कर लेते हैं। आज के दिन आप देख सकते कि यहाँ पे प्रमोटर एंटिटीज की बात करें तो उन्होंने कुछ स्टेक को सेल किया, जिसमें एमटार टेक्नोलॉजी का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार किया है। यहाँ पे अगर हम दोस्तों बताना चाहते हैं कि शेयर एमटार टेक्नोलॉजी 1% जो कि हायर लो वही बताया जा रहा है। अगर हम एंटिटीज़ की बात करें तो ए लार्ज ब्लॉक डील वेयर 5% ऑफ कंपनी से इक्विटी एक्सचेंज हैंड टू प्लेस ड्यूरिंग द, मतलब जो आज के दिन अपने को वैल्यूम देखने को मिला है दोस्तों, तो इसमें जो है कि आज के दिन ब्लॉक डील देखने को मिली है। जैसा कि आप न्यूज भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि आपको सोर्स के थ्रू मिलेगा कि यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, प्रमोटर ने आज के दिन स्टेक सेल किया है। वहीं पे यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, जो कि पहले उनके पास कितना स्टेक था, मतलब फ्रॉम 47.18 से घटा करके अभी देखा है तो 46.63% का स्टेक हो गया है। वहीं पे देखा है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा आपको पुरानी देखने को मिलेगी। रिसेंट की बात करें तो कुछ अपडेट होने में हो सकता है कि टाइम लग सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर वहीं पे कंपनी की बात करें तो आज के दिन मतलब जो कि हमने देख ही लिया, कुछ ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों जो कि मिंडा कॉर्पोरेशन की बात करें जो कि आज के दिन 5%, भारतीय एयरटेल, तमाम ऐसे आपको देखने को। मेटा टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ लोग कहेंगे दोस्तों कि आज के दिन मतलब इतनी वॉलेटाइल क्यों थी, तो जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी कंपनी होती है दोस्तों, मतलब उस कंपनी का बिजनेस क्या है उसके ऊपर फोकस करना होता है। कंपनी की बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी जो है कि डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। हालांकि आज के दिन आपने देखा होगा कि पूरा एक डिफेंस सेक्टर ही तेजी में था। वहीं पर अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये भी कंपनी आज के दिन तेजी दिखाई, जैसा कि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक अगर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो ये भी कंपनी आपसे बताना चाहते हैं कि लगभग 5% के ऊपर तेजी दिखाया था। वहीं पर अगर यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये कंपनी 4-5% जो है कि गिरावट भी दर्ज किया था, उसके बाद देख सकते हैं कि फिर सॉलिड रिकवरी। और मतलब देखा जाए तो एक फ्लैट ही कारोबार आप कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स के बाद भी एक फ्लैट कारोबार कंपनी ने किया है। हालांकि दोस्तों, पहले जो हमारा टारगेट था इस कंपनी का 2000 का था, जो कि रिसेंट में ही कंपनी ने 2000 के ऊपर भी ट्रेड किया था, जिससे रिलेटेड हमने आगे वीडियो बनाया है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी की बात करें दोस्तों, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि 2011 रुपये को कंपनी ने 18 मई 2023 को ही टच किया था, और लो की बात करें तो 1205 रुपये का 27 जुलाई 2022 को है। वहीं पर अगर हम वैल्यूम की बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 13 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें देखा है तो 40-42% माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि दोस्तों, वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करेंगे तो ये कंपनी जो है कि लगभग 52 वीक लो से 57% का रिटर्न बना के दे दिया है। और वैल्यूम की बात करें तो रिसेंट में इस कंपनी में कुछ अच्छा खासा वैल्यूम बन रहा है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि आज के दिन टोटल 3 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं, मतलब 31 लाख आप कह सकते हैं टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। वहीं पर अगर हम वैल्यूम की बात करेंगे दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि इस स्टॉक में इस समय रिसेंट की बात करें तो कुछ अच्छा वैल्यूम बन रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 1 जून की बात करेंगे तो 31 मतलब जो भी है दोस्तों 83% माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि दोस्तों देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है मतलब देखा जाए तो वॉलेटाइल, जैसा कि आपने देख ही लिया। और ये कंपनी जो है कि डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि ये स्टॉक भी कई दिनों से जो है कि एक साइडवेज पैटर्न में चल रहा है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 1% उसके बाद जो है मतलब वही 1% 1% मतलब कुछ भी इतना खास जो है कि आपको तेजी या गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि 17 मई को जो है कि कंपनी ने मतलब कंपनी जो है कि एक हाई लगाई थी 2000 रुपये का, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% की तेजी। और कंपनी की अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप प्राइस भी देख सकते हैं, कंपनी का जो प्राइस है लगभग 1998 2000 की प्राइस तक गई थी, उसके बाद थोड़ी सी कंपनी मतलब जो है वही 5% की गिरावट भी देखने को मिल। मैं अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं देखिए प्रमोटर क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है दोस्तों, उसके ऊपर अपना फोकस नहीं होना चाहिए। कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, कंपनी के बिजनेस कैसे हैं उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते, अगर 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग पैसे को कंपनी ने डबल कर दिया है, और डबल के बाद भी देखा जाए जैसा कि हमने देखा कंपनी लगभग देखा है तो 50% 57% का रिटर्न भी बना के दे दिया है।
हालांकि दोस्तों जो रिटेस्टर इस स्टॉक को अभी तक बाइंग नहीं किए, मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, अभी आपको अगर रिस्की लगता है तो आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा जो है कि आगे बढ़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से हो सकता है कि ये कंपनी जल्द से जल्द जो है कि एक्चुअल में देखा है तो ये कंपनी 2500 के लेवल तक गई भी थी और हो सकता है कि जल्द से जल्द ये कंपनी जा भी सकती है। हालांकि दोस्तों ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर जो है कि डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। ऐसे में जो रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, मेरे पॉइंट से अगर आप करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं, गिरावट होती तो ये कंपनी हो सकता है कि वही 1800 से 1900 के बीच में चल सकती, जो कि इस समय रिसेंट में प्राइस देख रहे हैं आप। वहीं पर अगर हम कंपनी की तेजी की बात करें तो जल्द से जल्द ये कंपनी हो सकता है कि 2000 के लेवल को तोड़ती है, कुछ दिनों तक 2000 के ऊपर रहती है दोस्तों, तो जल्द से जल्द ये कंपनी जो है कि 2500 से 2200 के बीच में जो है कि ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।